हेलो गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एग्जामपुर आज हम लोग हमारे जो एनसीआरटी का रिमेनिंग पोर्शन था चैप्टर सेकंड का उसको कंप्लीट करेंगे और इसके पहले मैंने आपको लैंड सॉइल वाटर ये तीन रिसोर्सेज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और ये तीनों रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसेंशियल हैं इन सभी इनकी खासियत क्या होती है इनको कैसे ये इनका डिग्रेडेशन होता है किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं कंजर्वेशन मेथड्स क्या होते हैं इन सभी चीज़ों को मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस डिस्कस की थी वहां पे डिस्कस कर कर दिया था तो प्रीवियसली हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसमें आपको इन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन इनके डिग्रेडेशन के फैक्टर्स या डिग्रेडेशन के कॉजेस जो होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया अब हमारा जो स्टार्टिंग होने जा रहा है यानी अब हमारा जो टर्न है वो क्या है नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और इनसे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करना होगा ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा वी हैव लुक दिस एक्स्ट्रा पॉइंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस रेन वाटर वट इज इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग

हार्वेस्टिंग तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो रूप वे वाटर होता है वो क्या होता है कि वो रनऑफ के थ्रू यानी सरफेस रन ऑफ के थ्रू वो चला जाता है रिवर्स में और रिवर्स से वो पहुंच जाता है कहाँ पे ओशन में तो सरफेस रन ऑफ जब ज्यादा होगा यानी रेट ऑफ द सर्फेस रन ऑफ अगर ज्यादा है तो ऐसे में इनफिल्ट्रेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है कम हो जाता है और इनफिल्ट्रेशन का रेट जितना डिक्रीज होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होता चला जाएगा ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो जाएगा तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं जो रेन वाटर होता है उसको कंजर्व कर लेते हैं यानी उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको स्टोर करने के बाद में फिर उसको हम लोग ठीक है फिर उसको हम लोग फ्यूचर यूज़ करने के लिए या फ्यूचर यूज़ के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं और इसीलिए आप देखो इसको हम लोग रिलेट करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक स्कीम चलाई जा रही है मनरेगा और उस मनरेगा स्कीम में आप देखो कि जो विलेज एरियाज़ हैं या जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सकती है उस रीजन में क्या किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो पौंड्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है टैंक्स बनाए जा रहे हैं उन टैंक्स टैंक्स में वाटर को स्टोर किया जाता है जिससे इरीगेशन में उसका यूज़ हो सके और भी कई जगहों पर उसका यूज़ कर सकें हम लोग उसका अप्रोप्रिएट यूज़ कर पाए ठीक है अब इसके बाद में आज से हमारा जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ठीक है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होता है इसके लिए कुछ बिगिनिंग कैसे की है एनसीईआरटी में इसको हमें देखना होगा कि हाउ एनसीईआरटी बिगिंस एनी टॉपिक ओके एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस टू हाउ टू बिगिन इन योर मेन्स एग्जामिनेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसे बिगिनिंग ऑफ एस एस इज क्रूशियल फॉर एके तो जो एसेज होता है उसकी बिगिनिंग जो है वो बहुत क्रूशियल होती है तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्या चीज है यहां पर क्या डिस्कस किया गया है सम स्कूल चिल्ड्रेन वर विजिटिंग एंड द एग्जीबिशन ऑन द हैंडीक्राफ्ट ठीक है तो हैंडीक्राफ्ट का जो कुछ एग्जीबिशन था उसमें कुछ स्कूल चिल्ड्रंस जो है वो विजिट किया उन्होंने द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री देखो आपको ये पता है कि हमारे जो इंडिया है हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं यानी देर आर डाइवर्सिटीज़ इन द इंडिया वो कैसे भी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है ठीक है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे रेशियल डाइवर्सिटीज़ हैं यानी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं तो अगर आप अपने इंडिया में मूव करो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों की जो लैंग्वेज होगी वो मिलेगी और इवन जो बिहेवियर होता है लोगों का वो भी डिफरेंट मिलता है अगर आप कहीं ट्राइबल ग्रुप में चले जाओ या ट्राइबल एरियाज़ में चले जाओ तो उनका बिहेवियर आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा ठीक है तो कहने का सेंस है कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स यानी इंडिया एक डायवर्स कंट्री है यहां पे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, ठीक तो अगर कोई भी चीज यानी किसी एक एग्जीबिशन में या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पूरे देश से यानी अलग अलग कंट्री से चीज़ें इकट्ठा होंगी या अलग अलग कंट्री से चीज़ें एक जगह पर लाई जाएंगी तो उस उनमें भी आपको डायवर्सिटीज देखने को मिलेगी ठीक है जैसे अगर हम अपने पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन से हम लोग क्या मनाए वहाँ से जो वहाँ के रेसिपीज होते, होते हैं यानी जो फूड्स होते हैं अगर उनको हम लोग एक जगह इकट्ठा करें तो साउथ इंडियन जो रेसिपीज होंगी वो अलग आपको दिखाई पड़ेंगे नॉर्थ इंडियन अलग नॉर्थ वेस्ट अलग ठीक है जो हिली रीजन है वहां पे अलग नॉर्थ ईस्टर्न जो उनका जो कल्चर है यानी जो रहने का खाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट तो आप ये देखो कि अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी यानी डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी ठीक मोना अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड ठीक है यानी मोना एक कैरेक्टर है जिसने एक बैग पिक किया और वो खुश हो गई दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग और इसने क्या बोला इट इज द दिस इज द ब्यूटीफुल हैंड बैग यस इट इज मेड फ्रॉम द जूट और वो जो बैग उसने पिक किया वो बैग बना हुआ है वो जूट से बना हुआ है अब अगर जूट से बना हुआ बैग आपको देखने देखा तो ये कहां की कल्चरल जो है वो या ये कहां पर हो सकता है तो जिस रीजन में जूट ज्यादा प्रोडक्शन होगा वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं कि वहीं पर देखने को मिलेंगे क्योंकि आज हम लोग सारे एक दूसरे से आ, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम लोग एक जगह ट्रांसपोर्ट की वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं चीजें गुड्स वगैरह जो होती हैं वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं लेकिन इसकी जो ज्यादा या कम कीमत पे मिलेगी वो वहीं पर मिलेगी जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा जीट, जूट का तो द टीचर से टीचर ने कहा कि ये जूट का बना हुआ है डू यू सी दिस बास्केट लैम्प शेड्स एंड द चेयर्स और एक टीचर ने उनसे बोला कि क्या वहां पे जो चेयर्स हैं लैम्प शेड्स हैं और बास्केट्स हैं उसको आपने देखा दोज आर मेड ऑफ द And the bamboo's. और बैंबूज से, से बने होते हैं यान द ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन द्लेंटी अब आप देखो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बैंबू जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्ट यानी बैंबू ट्रीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो अगर किसी भी रीजन में बैम्बू ट्रीज ज्यादा पाए जा रहे होंगे तो इसका सेंस है कि वहां पर बैम्बू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बनेंगे और अभी आप देखो कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा आ, सोशल मीडियाज में या न्यूज में आपने देखा इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस परसाइज किया कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों लोग हैं उन्होंने क्या देखा उन्होंने क्या एक इन्वेंशन किया उन्होंने कहा कि हम लोग जो प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं या प्लास्टिक से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होते हैं और इवन जो है वो नेचर के लिए भी हार्मफुल होते हैं तो यहां पर आप देखो कि इन लोगों ने जो बैम्बू से बने बॉटल्स वगैरह हैं उसको बनाना स्टार्ट कर दिया तो बेम्बू प्रोडक्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक अपनी रिकोगनीशन है ठीक है तो ये यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जैसी वोज एक्साइटेड टू ए सिल्क स्कार्फ ठीक है अब यहां पे देखो जैसी जो है वो सिल्क स्कार्फ यानी जो सर में बांधा जाता है उसके लिए एक्साइटेड है सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ द टीचर एक्सप्लेन दैट द सिल्क इज ऑपटेन फ्रॉम द सिल्क और आप यहां पे देखो कि जो टीचर है वो यहां पे क्या रिप्लाई कर रहा है कि जो सिल्क है यानी ये आ, सिल्क का कहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म ठीक है दैट आर ब्रेड on the mulberry trees. और ये जो सिल्क वोम होते हैं ये एक्चुअली कहां पर ब्रीडिंग करते हैं तो ये जो मलबरी ट्रीज होती है मलबरी आपने यूज किया होगा जिसको हिंदी में शहतूत कहते हैं शहतूत का जो पेड़ होता है उस शहतूत के पेड़ पर जो है वो ये सिल्क uh, वोम जो होते हैं वो ब्रेड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ ये ध्यान रखना है द चिल्ड्रेन टूड दैट द प्लांट्स प्रोवाइड विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ तो ऐसे में इन बच्चों को क्या समझ में आया यहां तक कि हमारे जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स से मिलते हैं और जब हमें वो प्लांट्स से मिलते हैं जिसका मतलब प्लांट्स हमारे लिए क्या है इसेंशियल जो है रिसोर्स हैं वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है अब देखो यहाँ पे आपको सिल्क वॉम दिखाई पड़ रहा होगा देखो ये कीड़ा जो है यही सिल्क वॉम है और ये सिल्क वॉर्म जो है इसी से सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है तो ये जो सिल्क वॉम है इसी से सिल्क का प्रोडक्शन होता है यानी यहां से तो आपको ये ध्यान रखना है द नेचुरल वेजिटेशन और द प्रोडक्शन यानी जो एग्रीकल्चर ऑफ जो सिल्क होती है उसको हम लोग कहते हैं सेरी कल्चर यानी उसको क्या बोला जाता है सेरी कल्चर कहा जाता है तो नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमोस्फेयर दैट वी कॉल द बायोस्फेयर तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया कि वट इज द बायोस्फेयर ठीक है बायोस्फीयर क्या होता है तो जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी जो प्लांट्स हैं और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो वाइल्ड एरियाज में लाइफ एग्जिस्ट करती हैं चाहे वो जानवर हो या कोई पक्षियां होती हैं यानी बर्ड्स हैं कोई एनिमल है कोई जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या आप देखो कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब क्या होते हैं इनको हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाइल्ड लाइफ यानी जो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन वो vegetation जो नेचुरली ग्रो करे इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो इस नेचुरल के पर एग्जिस्ट करते हैं या इस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं इन द दर लिविंग बींग्स आर द इंटर रिलेटेड एंड द इंटर डिपेंडेंट टू ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस लाइन को आपको समझना होगा कि इन द बायोस्फेयर यानी बायोस्फेयर जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं एक यानी इंटर डिपेंडेंट होते हैं और इंटरलिंक्ड होते हैं जैसे अगर हम लोग अपने बायोस्फेयर की बात करें तो हम भी कहां पे एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फेर में एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास के रीजन में आप देखो कि डॉग्स रह रहे होंगे छोटे छोटे और भी बहुत सारे जानवर इंसेक्ट्स रह रहे होंगे और भी जानवर होते हैं अब कहीं ना कहीं देखो तो हमारी उनसे क्या होती है एक लिंकिंग होती है यानी अगर हम देखें कोई प्लांट है तो उस प्लांट से हमारी लिंकिंग है अब जिस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल कर रहे हैं वो पता नहीं कहाँ के प्लांट ने उसको बाहर निकाला होगा अपने से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं वो कौन सा प्लांट उसको यूज करेगा यह हमें नहीं पता अगर हमारे और प्लांट के बीच में इस टाइप का रिलेशन इसका मतलब हम दोनों लिंक्ड है ठीक है सपोज करो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं अपनी बॉडी में हो सकता है उसको किसी जानवर ने निकाला हो और उसको हम ले कर रहे हैं ठीक है या हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला इस टाइप से हम देखो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं और इवन अगर आप थोड़ा सा डीपली ये कंसीडर करो तो हम सारे ह्यूमन बीइंग आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं क्योंकि जो मैं यानी कोई भी जो ब्रीदिंग आप कर रहे हो उस ब्रीदिंग में आप एटमॉस्फेयर की एयर ले रहे हो ना और फिर जितने लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं वो ब्रीद आउट भी तो एटमोसफेयर में कर रहे हैं तो कौन किसकी सांस ले रहा है ये किसी को नहीं पता है ठीक है तो कहने का मतलब हम सारे जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है तो कहने का मतलब हम लोग सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे से सभी के सभी क्या होते हैं जुड़े होते हैं दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इको सिस्टम और जिस सिस्टम में ये लाइफ सपोर्ट होता है उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं इको सिस्टम कहा जाता है सिस्टम इज नोन एज द इको सिस्टम वेजिटेशन इन द वाइल्ड लाइफ आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेस और इस इकोसिस्टम में जो वेजिटेशंस होते हैं और वाइल्ड लाइफ जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं रिसोर्स रिसोर्स का सेंस आपको क्लियर है है कि व्हाट इज एक्चुअली क्या होता ठीक है तो रिसोर्स क्या होता है ये आपको क्लियर है प्लांट्स प्रोवाइड तो अस विद द विदिम्बर और ऐसे में आप देखो कि रिसोर्स कैसे हमें मिल रहा है प्लांट हमें क्या मिलता है टिम्बर मिलता है इसका यूज हम लोग करते हैं यानी टिम्बर का हम लोग यूज करते हैं लकड़ी का हम लोग जो यूज करते हैं टिम्बर ठीक है गिव शेल्टर टू द एनिमल्स और ये प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को क्या करते हैं उनको रहने का प्लेस प्रोवाइड करते हैं शेल्टर्स शेल्टर देते हैं प्रोड्यूस ऑक्सीजन वे व्रीद और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्ट सॉइल और ये सॉइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं रन ऑफ होने से यानी सॉइल को ये क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं जस्ट uh, वेट Uh, कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा था मैं कि प्रोटेक्ट सॉइल्स हो ठीक है तो ऐसे में ऑक्सीजन सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं यानी जो uh, हमारे वेजिटेशंस uh, होते हैं वो सॉइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जिसके लिए हम जिससे हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं एक्ट एंड शेल्टर हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड यानी आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि क्या क्या जो नेचुरल वेजिटेशन होती हैं उन नेचुरल वेजिटेशन के क्या क्या आ, फायदे होते हैं इनके द्वारा हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं तो प्लांट से आप देखो कि शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ये शेल्टर बिल्ट के रूप में काम करता है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको स्टोर करने में इसकी इनकी हेल्प होती है वो मैंने आपको बताया था कि कैसे होती है क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का रेट इंक्रीज कर देते हैं ये रनऑफ रेट को डिक्रीज कर देते हैं ठीक है ठीक है तो ऐसे में और हमें ये फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं नट्स प्रोवाइड करते हैं लेटेक्स प्रोवाइड करते हैं और टैपेटीन ऑयल ठीक है गम मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट सो इज सो असेंशियल फॉर आर स्टडीज तो आप देखो यहां पे कि दीज आर द प्रोडक्ट्स विच वी फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड दीज प्रोडक्ट्स आर द वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट इन आर डेली लाइफ ओके तो आप देखो यहां पे कि ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें कहां से मिलते हैं प्लांट्स मिलते हैं देर आर प्लांट्स आर इन्यूवरेबल यूजेस ऑफ द प्लांट्स एंड यू कैन एड सम मोर और बहुत सारे यूज होते हैं ठीक है प्लांट्स के जिसको आप इसमें कुछ और यूज कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट एज वेल एज द एक्टिक लाइफ फॉर्म्स तो अब यहाँ पे देखो वाइल्ड लाइफ का सेंस यहाँ पर क्या होता है वाइल्ड लाइफ किस को क्या कौन कौन इंक्लूड होता है इसमें तो वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि वाइल्ड लाइफ में आ, एनिमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म यानी किसी भी जगह पर किसी भी नेचुरल वेजिटेशन के रीजन में जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो वाइल्ड लाइफ के उसमें एग्जिस्ट उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं दे प्रोवाइड अस मिल्क मीट हाइट्स एंड वूल और ये हमें और बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं लाइक मीट मिल्क हाइट्स एंड द वूल ठीक है तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं ये जो यहां पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उन एनिमल से भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं और ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहां पे देखो इंसेक्ट एज सॉरीप ठीक है इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी यानी आप इंसेक्ट्स की बात करो तो हम लोग जो बीज होते हैं यानी मधुमक्खी वगैरह ये हमें हनी प्रोवाइड करते हैं और हनी भी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं हेल्प इन द पॉलीनेशन ऑफ द फ्लावर्स एंड द हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले डॉम्पोज इन द इको सिस्टम और ये क्या करते हैं पॉलिनेशन का यूज करते हैं यानी आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा पॉलिनेशन क्या होता है तो ये रिप्रोडक्शन होता है, क्या? कैसे? जो होता है उसमें पॉलिनेशन होता है और ये एक इंपॉर्टेंट फिनमिना होती है जिसकी वजह से इको सिस्टम में एनर्जी मेंटेन होती है प्रोडक्शन होता है ठीक है और ये डिकम्पोज के फॉर्म में यूज होते हैं यानी डिकम्पोजेस वो एनिमल्स होते हैं या डीकम्पोज वो क्रिएटर्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को वेस्ट पा, में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं डीकम्पोज कहते हैं ठीक है

वल्चर्स आर इन द इंडियन वर डाइंग ऑफ किडनी फेल शॉर्टली आफ्टर द दाइव स्टोर लाइव स्टॉक ट्रीटेड विदाइक् एक्चुअली एक पेन किलर होती है जो हम लोग जानवरों को देखते थे यानी देते थे कि इसको लाइव को दिया जाता था और ये डाइक्लोफिनेक जो होता है ये जानवरों की बॉडी में इकट्ठा रहता है और इकट्ठा होने की वजह से जब वल्चर्स इसको यूज करते थे यानी इसको अगर यूज करते हैं तो ये जो है वो उनकी बॉडी में चला जाता था और उनकी बॉडी में जाकर के ये पॉलिटेन के ये रूप में यूज होता यानी का रोल प्ले करता था और उनकी बॉडी में जाकर उनकी किडनी फेल्योर कर देता था और धीरे धीरे करके जैसे ये जब जाता था तो आगे जाते, जाते जाते इसका मास जो है वो बढ़ जाता था तो कहने का मतलब है कि सपोज करो कि कोई जानवर है जो जिसकी बॉडी का वेट हंड्रेड किलोग्राम है अब इसके पूरे हंड्रेड किलोग्राम में अगर सपोज करते हैं कि 50 ग्राम जो है वो डाइक्लोफि है तो ऐसे में अगर कोई वल्चर आएगा तो वल्चर अगर इसको खाता है यानी 100 किलोग्राम को पूरी तरीके से तो नहीं खा पाएगा लेकिन अगर वो खाता है तो ऐसे में इस रेशियो में उसकी बॉडी में जो इसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है यानी डाइक्लोफिनेक की मात्रा बढ़ जाती है और इस फिनना को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन यानी इसको क्या कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस होती है तो उसको आपको देखना मैग्निफिकेशन तो डाइक्लोफिना के यूज की वजह से जो वल्चर्स हैं उनकी किडनी फेलियोर या डैमेज हो जाती है और इस वजह से ये धीरे धीरे करके खत्म हो गए पेन किलर दैट इज सिमिलर टू द एस्पिरिन और द द ड्रग फॉर द लाइव स्टॉक यूज एंड द ब्रीड वल्चर्स इन द कैप्टिविटी ठीक है तो आप जैसे इब्रोफेन होती है या स्प्रिन होती है डिस्प्रिन जैसे आप यूज करते हो वैसे स्प्रिन होती है तो ये पेन किलर्स होती है तो वैसे डाइक्लोफिनेक्ट जो कि जानवरों को दी जाती थी तो ऐसे में इसके यूज को बैन करने की बात कर रही है जिसकी वजह से वल्चर्स को बचाया जा सके तो ये एक दवा है जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे या हमारे यहां पे जो गिद्ध थे यानी जो वल्चर्स थे उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा तेजी से गिरी और वो उसका रीजन क्या है ये आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दवा का नाम आपको पता होना चाहिए ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है

अब आप देखो कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका हम लोग मेडिसिनल यूज करते हैं मेडिसिन में यूज होते हैं जैसे आप देखो यहां पे ब्रह्म कमल ठीक है ये प्लांट है इसका यूज करते हैं मेडिसिन के रूप में ठीक है तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं आप देखो यहाँ पे सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर द इंटीग्रल टू मेंटेनिंग द बैलेंस द इकोसिस्टम और जितने भी जानवर होते हैं चाहे वो बड़े हों या छोटे हों वैसे जानवरों को हम लोगों को वो उनका अपना एक अलग रोल होता है जैसे अगर आप देखो कि अगर हमारी अर्थ से हम लोग हनी भी इसको हटा दें जो मधुमक्खी होती है अगर इसको हटा दिया जाए तो हमारी अर्थ पे सिर्फ लगभग डेढ़ महीने से दो महीने तक लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसके बाद में हम लोग भी डट कर जाएंगे तो आप सोचो कितना बड़ा रोल होता है का या जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका कितना बड़ा रोल होता है तो इस अर्थ पे जितने भी जानवर हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो उन सब का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और सबका रोल हम अभी कई बार ऑब्जर्व नहीं कर पाते बट कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं उनका रोल होता है तो आप सोचो कि मधुमक्खी को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग एग्जिस्ट कितने दिन कर पाएंगे वो मैक्सिमम हम लोग डेढ़ से दो महीने एग्जिस्ट कर पाएंगे उसके बाद हम लोग सारे जो है वो डेट कर जाएंगे यानी एक बड़ा रोल होता है इनका तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसके बाद में देखते हैं कि हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर ठीक है आप देखो किसी भी प्लांट को आप जब भी साइंस में पढ़ते हो तो हमेशा ये बताया जाता है प्लांट के लिए कुछ इसेंशियल चीजें जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्लांट्स के लिए हमें क्या चाहिए कम से यानी हमें सनलाइट चाहिए यानी टेम्परेचर चाहिए दूसरा हमें क्या चाहिए होता है हमें जो है उसके लिए वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए वाटर होनी चाहिए और साथ ही साथ में क्या होनी चाहिए सॉइल की प्रेजेंस होनी चाहिए यानी ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी जगह पे प्लांट के लिए इसेंशियल होती हैं ठीक है तो किसी भी रीजन में जो टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर होगा मॉइस्चर का मतलब वहां पर वाटर की सप्लाई हुआ तो मॉइस्चर और टेम्परेचर ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह पे प्लांट्स को डिटरमाइन करते हैं जहां पर टेम्परेचर और मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे प्लांट्स ज्यादा होंगे जहां पर टेम्परेचर और मॉइस्चर कम होंगे वहां पे प्लांट्स कम होंगे ठीक है तो टेम्परेचर और मॉइस्चर दो प्राइमरली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जगह के वेजिटेशन को डिटरमाइन करते हैं द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर द ग्रुप एज द फॉरेस्ट ग्रासलैंड स्कर्ब्स एंड द टुंड्रा इसको मैंने आपको क्लास सिक्स में भी पढ़ाया हुआ है क्लास सिक्स के एनसीआर में भी डिस्कस किया है कि मेजर जो हम वेजिटेशंस की कैटेगरीज देखते हैं तो वेजिटेशन में हम लोग क्या हो सकते हैं कि या तो बड़े बड़े प्लांट्स हो सकते हैं ठीक है तो उनको हम लोग किस में रख देंगे अगर बड़े प्लांट्स होंगे तो उन्हें फॉरेस्ट कैटेगरी में रख देंगे दे फॉरेस्ट अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हो सकता है कुछ ग्रासेस हो जाए ठीक है बड़ी बड़ी घास हो सकती है तो दूसरा वेजिटेशन कैटेगरी हम लोग ग्रासलैंड देखते हैं कुछ जगह पर ऐसे होते हैं जहां पर हरी घास नहीं होती बल्कि उस कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कांटे होते हैं कटीली तो वो शर्ब्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जैसे किसी रेगिस्तान में किसी डेजर्ट एरियाज में ठीक है तो वहां पर स्कर्ब्स हो जाते हैं उसके बाद में आप देखो टुंड्रा कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पर पूरी तरीके से बर्फ जमी होती है या ग्लेशियल रीजन होता है तो बर्फ वाले क्षेत्र में जो जो वेजिटेशन होते हैं उनको हम लोग किस कैटेगरी में रख देते हैं टुंड्रा वेजिटेशन टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर वेजिटेशन टाइप्स क्या है तो आप बता सकते हो फॉरेस्ट ग्रासलैंड सब्ज एंड द टुंड्रा फिर हम लोग फॉरेस्ट को भी डिवाइड करते हैं रेन फॉरेस्ट डेसिडवर्स फॉरेस्ट फिर हम लोग ग्रास को डिवाइड करते हैं टेम्परेट ग्रास लैंड ट्रॉपिकल ग्रास फिर सब्स को करते हैं थॉर्नी सर्ब्स इनमें टुंड्रा को देखते हैं हम लोग तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे आगे इन एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव यानी जहां पर हैवी रेनफॉल्स होती हैं वहां पे बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल सकते हैं प्लेस ओके तो देर आर थ्री फैक्टर्स फर्स्ट इज द टेम्परेचर और द सनलाइट सेकेंड इज द सप्लाई ऑफ वाटर एंड थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ द सॉइल और द्यूट्रिय न्यूट्रीसियस सॉइल तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीजें ध्यान रखना है जहां पे हैवी रेनफॉल होगा वहां पे जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे बड़े होंगे क्योंकि वाटर सप्लाई ज्यादा होगी बट हैवी रेनफॉल के साथ साथ में वहां पे टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरिया अब वाटर सप्लाई ठीक है इट मीनस आपको इस लाइन से क्या क्लियर हुआ कि जिस भी जगह पे वॉटर सप्लाई ज्यादा होगी वहां पे फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा होगा फॉरेस्ट ठीक होगा एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्टर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्रीज एंड रिड्यूस तो मैंने आपको अभी कि इनका अमाउंट जितना कम होता जाएगा वैसे ही वैसे साइज कम होती जाएगी उनकी डेंसिटी भी कम होती जाएगी तो डेंसिटी और साइज दोनों को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं अबेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर वाटर एंड दिलियर As the the amount of moisture decreases, the reduces. Short, stunted trees and the grasses grows in the region of the moderate rainfall, forming the grassland of the world. ठीक है अब आप देखो कहीं पर हैवी रेनफॉल हो रहा होगा यानी रेनफॉल यहाँ पे अगर ज्यादा है तो रेनफॉल अगर ज्यादा होगा तो ऐसे में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स एक साथ में हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फॉरेस्ट अगर कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रहा है यानी मॉडरेट रेनफॉल हो रही है तो यहां पर क्या होगा बहुत बड़े प्लांट्स नहीं होंगे स्मॉल ट्रीज देखने को मिलेंगे आपको स्मॉल ट्रीज ठीक है स्मॉल ट्रीज के साथ साथ में यहां पे ग्रासेस देखने को मिलेंगे तो ऐसे एरिया को ग्रासलैंड कहते हैं ठीक है तो हैवी रेनफॉल जहां पर होगा वहां पे फॉरेस्ट रीजन होगा जहां पे मॉडरेट रेनफॉल होगा वहां पे स्मॉल

ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उसमें स्टोमेटा होता है और वो स्टोमेटा क्या होता है वाटर वेपर रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी उनके पास में वाटर स्कैसिटी है वाटर के जो है वो लैकनेस है तो वो क्या करते हैं वो जो लीव्स होते हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या लीव्स बहुत फ्लॉपी हो जाती हैं तो ऐसे में ट्रांसपोरेशन के रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है तो वो वाटर को कंजर्व करते हैं तो ऐसा रीजन जहां पर वाटर की सप्लाई कम होती है वाटर प्रेजेंस कम होती है वहां पर जो सब्स पाए जाते हैं हैं, वो वो हो जाते हैं, हो जाते हैं। हैं, हैं। यानी उनमें कांटे आ जाते हैं। कटीले था, वो अपने को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा हो क्याक्टस। क्याक्टस प्लांट देखा होगा होगा। तो अगर आप देखो तो ऐसे उस कैक्टस प्लांट में आपको या दिखाई पड़ेगा ठीक है लो रेनफॉल इन सच एरियाज़ प्लांट है डीप रूट एंड द एंड विध वैक्सी सर्फिस रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्टर थ्रू तो आपको मैंने अभी यही डिस्कस किया कि ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में जो रूट होती है उनकी वो रूट जो है वो वाटर के लिए यानी वाटर के प्रजेंस वाटर को सर्च करने के लिए वो कहाँ पे हो जाती बहुत डीप चली जाती है नीचे होती तो रूट जो होता है वो डीप रूट होते हैं इनकी जो लीब्स होते हैं यानी जो इनके पास में थॉर्न होते हैं यानी जो लीब्स होते हैं उनमें थॉर्न्स होते हैं सरफेस जो है वो वैक्सी सरफेस होता है जिससे ये लोग मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकें ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के तरह तो ये मॉइस्चर को रिड्यूस कर जाएं यानी मॉइस्चर जो है मॉइस्चर का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाए ट्रांसपरेशन का रेट रिड्यूस हो जाए ओके

टुंडा रीजन मैंने आपको बताया टुंडा वेजिटेशन वहां पर पाई जाती है जहां पर आइस होती है ठीक है तो किसी भी रीजन में तो 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 जिनमें आप लोग ये देखते मॉसेस ठीक है और लाइकेन ठीक है लाइकेन अगर आपने लिटमस पेपर यूज किया होगा तो लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस पेपर और मॉसेस का मतलब होता है मॉसेस का सेंस होता है जैसे आपने कभी काई देखा होगा काई जैसे कहीं पर वाटर अगर लॉगिंग हो जाती है तो छोटे छोटे से प्लांट्स आ जाते हैं काई तो वो मॉसेस होते हैं तो वो क्या होते हैं मॉसेस होते हैं वेजिटेशन ऑफ द टुंड्रा रीजन ओके तो, okay? तो लाइकेन और मॉसेस इनका नाम याद रखना है आपको क्या होते हैं टुडे देर आर मेनी मोर पीपल इन सेंचुरीज बैक ठीक है टू फीट द आज की कंडीशन अगर हम लोग देखें तो आज हमारे पास में जो नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत ज्यादा है पिछले दो सौ यानी दो सौ दो सेंचुरी के पहले से अगर हम कंपेयर करें तो आज हमारे पास में लोग बहुत है टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट है वर्ल्ड इज वैनिशिंग रेपिडली देर आर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स हम लोगों को यह पता है कि एक्चुअली हमारे पास में जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है आज से 200 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उससे हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए जैसे जैसे ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन बढ़ती गई हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई हम, हम लोगों ने जो है वो फॉरेस्ट क्लियर ऑफ करना स्टार्ट कर दिया यानी फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे हम लोगों ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिया या अपने आप को वहाँ पे शेल्टर करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसे में हमने बहुत बड़ी तेजी से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने फॉरेस्ट को कट किया आप सोचो फॉरेस्ट कितने वैल्यूएबल रिसोर्स थे और इनकी मात्रा को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं और जब इनको डिक्रीज कर दोगे आप तो इनसे होने वाले जो लाभ हैं यानी प्रॉफिट्स है वो खत्म हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है और इसलिए हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस को क्या करने की आ, इनको हमें बचाने की अब देखो यहां एक पिक्चर में आपको पाइथन दिख रहा है एक जानवर जो कि जंगल में होता है ठीक है ये आपने देखा होगा अजगर अब देखते हैं अगर हमने लॉस किया हुआ है तो कंजर्वेशन भी करना चाहिए हमें और अगर कंजर्वेशन करना चाहिए तो कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स होते हैं हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन के लिए क्या क्या चीजें होती हैं यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और इस टॉपिक को हम लोग को डिस्कस करना है। ये यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था यानी ये एनसीआरटी का एक इंपॉर्टेंट या जोग्रफी या इवन आज के टाइम पे इकोलॉजी को पढ़ने के लिए भी ये आपका एक बेस प्रोवाइड करेगा जो आप हमारे और पे एक है, उसके लिए एक करेगा देखो यहाँ पेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का फॉरेस्ट आर आर वेल्थ ठीक है wealth, तो जितने भी natural, natural होते हैं, वो हमारे वेल्थ ही है प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड दे मेंटेन द इकोसिस्टम

इंटरफेरेंस uh, की वजह से हमारे अर्थ पे जो uh, ये फॉरेस्ट है या वेजिटेशन है ये लॉस हो जाते हैं वेजिटेशन का जब लॉस हो जाता है तो ऐसे में वहां पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका भी लॉस होता है जैसे रिसेंटली आप एग्जांपल देखो कि कुछ दिन पहले अमेजोन जो फॉरेस्ट है वहां पे हम देख वहां देखा हमने फॉरेस्ट फायरिंग ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आपने बुश फायरिंग देखा बुश फायरिंग फॉरेस्ट फायरिंग रीजन में, आप किसी में किसी एक जगह पे, दो दो महीने तक चार चार महीने तक, तक आग लगी रहे नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो इसकी वजह से आप देखो इतना बड़ा रिसोर्स हमारा क्या हो जाता है लॉस हो जाता है तो एटलीस्ट हमें इन सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत होती है इनको हमें बचाने की रिक्वायरमेंट होती है ठीक ठीक है, है इसमें हमने देखा कि इन सब की वजह से बहुत सारे ऐसे species हैं जो कि वेबल हो गए हैं, यानी बहुत ज्यादा उनपे खतरा आ गया है। देखो ये वलनरेबल वगैरह क्या होते हैं इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि बाइलिंग अभी जैसे ये जो क्लास है वो इंग्लिश में है तो कई लोगों को दिक्कत हो रही है हिंदी में तो अभी हम लोग एक मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको एक सीरीज पढ़ाऊंगा नेशनल पार्क्स की उस नेशनल पार्क की सीरीज में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि वलरेबल कैटेगरीज क्या होती हैं एंडेंजर्ड कौन होते हैं संकटापन कौन होते हैं सुभेद्य कौन होते हैं और जो ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी विलुप्त कैटेगरी क्या होती है तो अभी कुछ बहुत ही जल्द आप लोगों को एक सीरीज में पढ़ाऊंगा स्टेट वाइज नेशनल पार्क यानी जितने भी लोग नेशनल पार्क जो पढ़ते हो जो यूपीएससी में एग्जामिनेशन में आता है इवन कोई भी एग्जामिनेशन आप दो तो नेशनल पार्क से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे मैं आपको एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको स्टेट वाइज नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा दोनों भाषाओं में हिंदी एज वेल इंग्लिश यानी बाई लैंग्वेज पढ़ाऊंगा जिसमें दोनों को फायदा होगा और उस सीरीज को आप लोग हंड्रेड परसेंट बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना देख सकते हो उतना देखना और एक एक दिन में हम लोग कुछ कुछ नेशनल पार्क याद करते हैं क्योंकि कई बार आप लोग करते हो कि नेशनल पार्क पढ़ तो सारे लिए लेकिन याद कुछ नहीं एग्जामिनेशन में जो पूछा गया वो तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं ठीक है तो इस टाइप से एक ये जो हम लोग यहाँ पे वलनरेबल वगैरह इंडेंजर्ड देखते हैं इसको मैं आपको वहां पे क्लियर पूरी तरीके से इसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं किन बेसिस पे इसको किया गया है आई की लेट डेटा लिस्ट क्या होती है ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग एनसीआर पढ़ रहे हैं और इसमें एनसीआरटी के इस सीरीज में जितना लिखा है उतने को समझाने की हम लोग की जो है वो कोशिश है पहले एटलीस्ट आप लोग पहले इतना समझ जाओ और उसके बाद में इसके लेवल को एडवांस करेंगे ठीक है

Uh, जो है वो नष्ट कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज फॉरेस्ट फायर सुनामी एंड द लैंड स्लाइड आर द सम इंपोर्टेंट ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एसिलेट द प्रोसेस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज अब आपसे देखो यहां से क्वेश्चन का अगर कोई पूछता है कि हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ्स हैं या जो हमारे फॉरेस्ट हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं यानी वो कैसे वाइल्ड लाइफ और जो नेचुरल वेजिटेशन है तो आप ये बोलो कि उसके पीछे दोनों फैक्टर हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है और कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं तो उसमें आप देखो कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटना ये हम लोग कर रहे हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर है स्वाइल इरोजन इरोजन हमारी वजह से भी होता है नेचुरल भी होता है सोइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल का कट करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ठीक है तो डिफोरेस्टेशन सोइल इरोजन दो फैक्टर फिर जो हम लोग कॉन्स्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कर रहे हैं यानी घर बनाने के लिए या कोई चीज बनाने के लिए जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी लॉस होता है फिर उसके बाद में फॉरेस्ट फायर जिसका एग्जाम्पल हम लोग अभी ले रहे थे फॉरेस्ट का और बुश फायरिंग ऑस्ट्रेलिया का तो फॉरेस्ट फायर की वजह से लॉस होता है फॉरेस्ट फायर दोनों से से हो हो सकता सकता है है ह्यूमन इंटरफेरेंस भी नेचुरली भी हो सकता है नेचुरली हो कैसे होता है कि जब बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं ड्राई सीजन में तो जो पेड़ों की डालियां होती हैं ब्रांचेस वो आपस में रगड़ जाती हैं और फ्रिक्शन की वजह से वहां पर एनर्जी जनरेट हो जाती है और आग लग जाती है कई बार होता है हमारी इंटरफेरेंस से आग लग जाती है तो ये दोनों कारण होते हैं सुनामी की वजह से भी होता है लैंडस्लाइड की वजह से यानी आर द सम ह्यूमन एंड द द नेचुरल फैक्टर्स प्रोसेस ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज और इसकी वजह से हमारे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डैमेज हो रहे हैं या वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुके हैं ठीक है तो अगर हमसे कोई पूछे एक्सटेंक्शन एक कैसे होता है तो आप देखो कई बार होता है हम लोग इतने ज्यादा बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को डाउन करना है तो आप पहले ही बोल देते हो ऐसा है हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए बल्कि ये गलत स्टेटमेंट है आप बिना पेड़ काटे या बिना पेड़ का यूज किए आप एक हेल्दी लाइफ या आप एक यू अपनी लाइफ नहीं जी सकते क्योंकि जो प्लांट होता है वो रिसोर्स होता है और रिसोर्स का आपका यूज करना ही है तो कभी ये नहीं बोलना आज के बाद कि पेड़ नहीं काटेंगे पेड़ काटेंगे लेकिन पेड़ लगाएंगे भी साथ में ठीक है आप कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं अगर कोई बोलेगा यार वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो वाटर यूज नहीं करेंगे आप बिना वाटर यूज के सर्वाइव ही नहीं कर सकते ठीक है तो प्लांट का हमारी लाइफ में बहुत यूज है और उसका यूज हमें करना ही करना पड़ेगा तो हम प्लांट का यूज तो करेंगे ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे हम प्लांट कट करना बंद कर देंगे कभी नहीं बंद करेंगे प्लांट कट करेंगे बट जितना प्लांट कट करेंगे उससे ज्यादा उसको जो है वो लगाएंगे भी ठीक है तो ऐसा काम नहीं करना है, कि सब कट करना है कट भी करना है लगाना भी है तो जैसे अपने अपने पुराने टाइम पे देखो जो पुराने लोग थे वो प्लांट को लगाते भी थे और कट भी करते थे दोनों करते थे तो बैलेंस बना हुआ था हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ कट करना स्टार्ट कर दिया कट करने की जो रेट है यानी जो डिफॉरिस्टेशन रेट है वो अफॉरेस्टेशन रेट से ज्यादा है और इसकी वजह से लैक हो जा रहा है ठीक है तो कभी भी आज के बाद यह नहीं बोलना कि हम प्लांट नहीं कट करेंगे या हम वाटर यूज नहीं करेंगे इस टाइप से वर्ड आपको नहीं यूज करना है हम सब यूज करेंगे लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आप यहां पे देखो ठीक ऑफ दिस वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीजेज पोचिंग क्या होता है कि हम कई बार जानवरों को मार देते हैं कुछ उनके ऑर्गन्स के लिए जैसे कई कि होता है कई किसी जानवर के नाखू नाखून की जरूरत होती है नेल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मार दिया उसको किसी के चमड़े के लिए मार दिया किसी के कुछ सींग के लिए मार दिया तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग अवैध तरीके से उनका शिकार कर लेते हैं ठीक है यानी पोचिंग कर देते हैं और इसकी वजह से भी क्या होता है बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो जानवर होते हैं वो एक तरीके से वो वलरेबल हो जाते हैं ठीक है जैसे आप देखो वन हॉर्न राइनोसिरोस ठीक है इसको हम लोग बहुत मारे हम लोगों ने टाइगर्स वगैरह को मार करके उसकी चमड़ी लाके घर में लगा लिया ठीक है तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यानी पोचिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द वाइल्ड लाइफ द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड द इलीगल ट्रेड ऑफ द हाइट्स ठीक है स्किन नेल्स टीथ हॉर्न एज वेल एज द फिदर्स ठीक है तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं एनिमल्स का जो है वो आ, कई बार हम लोग उनको पोच पूछ करते हैं पोचिंग कर लेते हैं उनकी दिस एनिमल्स आर टाइगर लायन एलिफेंट डियर ब्लैक बॉग क्रोकोडाइल डायनासोरोस और इनमें जनरल में कौन है बेसिकली टाइगर लायन एलिफेंट डियर लायन का हमने क्या किया उसका आइवरी कट कर लिया उसके दांत कट कर लिए अब आप सोचो कि आपका कोई दांत पकड़ के तोड़के ले ले तो आपकी लाइफ में यानी जितने भी ऑर्गन आपके पास में सबका कोई ना कोई यूज है ना हमने क्या लगता है कि जो आती के दांत है वो तो किसी काम के ही नहीं है उसका भी अपना यूज होगा हम लोग क्या करते हैं उसको कट करके ले आते हैं तो इस धरती पर सबसे खतरनाक जो जीव है वो ह्यूमन बींग है सबसे डेंजरस जो एनिमल है वो ह्यूमन बींग है और सबसे ज़्यादा बेवकूफ भी ह्यूमन बींग है वो ह्यूमन बींग अपने आप को पता नहीं क्यों जो है वो बोलता था हम बहुत सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट इंटेलिजेंट नहीं है हम लोग जो है सबसे ज्यादा मूर्ख है क्योंकि नेचर की रिस्पेक्ट हम लोग नहीं कर पाते ठीक है तो दीज आर द स्नो लेपर्ड ठीक है तो ये सारे एनिमल्स हैं जिनको हम लोग पोचिंग पोचिंग करने में इनका इनकी बहुत ज्यादा होती है जैसे लेपर्ड स्नो लेपर्ड ऑस्ट्रिच पिकॉक दिस कैन बी कंजर्व बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस और इन सबको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं इनके लिए अवेयरनेस बढ़ा करके हम लोग कवर कर सकते हैं देखो ये ब्लैक बक ब्लैक बग वही है जो जिसने सलमान खान को जिसको सलमान खान ने जो है इसका शिकार किया था तो ऐसे में आप देखो कि हम अपने एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी देर के एंजॉयमेंट के लिए किसी की लाइफ ले लेते हैं ठीक है हम अपनी शूटिंग को चेक करने के लिए क्या किया किसी जानवर को मार दिया तो ये सब जो बेकूफिया होती है ये ह्यूमन बींग करता है तो ऐसी बेकूफिया नहीं करनी चाहिए यानी किसी भी जानवर को भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको होता है हम लोगों को होता है तो एटलीस्ट हम लोग किसी जानवर को हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको कोई लॉस ना पहुंचाए किसी की लाइफ आप नहीं ले सकते नेचुरल अगर इस जानवर को यानी इस ब्लैक बर्ग को कोई लाइन आ करके इसको खा जाता है तो इसका मतलब वो नेचुरल रूल फॉलो कर रहा है लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग जाकर के इसको अपने एंजॉयमेंट के लिए इसको मार देते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ अपनी मूर्खता का

वेजिटेशन को कंजर्व करते हैं और इसी मेथड में मैं आपके साथ में नेशनल पार्क्स को कवर करूंगा सभी स्टेट के एक एक नेशनल पार्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उस जानवर के क्या स्टेटस है सब कुछ और एक साथ नहीं एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे वो आपको पूरे दिमाग में आपके बैठ जाए और एग्जामिनेशन हॉल में आपके कोई गलती नहीं हो क्योंकि यूपीएससी का नेशनल पार्क से लेवल से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आता है ठीक है बेसिकली ना तो वो किसी बुक में मिलता है ना लोग पढ़े होते हैं और जब ऑप्शन आ जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि

वेटलैंड्स को भी बचाने की रिक्वायरमेंट होती है जैसे आप देखो वेटलैंड से रिलेटेड इस समय न्यूज़ है तो हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको हमने रामसर साइट में जो है वो इंक्लूड किया है ठीक है आपने लगातार करंट में पढ़ा होगा कि बहुत सारी साइट्स होती हैं जिनको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है तो वेटलैंड से रिलेटेड होते हैं रामसर साइट्स रामसर एक कन्वेंशन है रामसर एक प्लेस है ईरान में वहीं पे कन्वेंशन हुआ था और उसी पे हम लोगों ने वहीं उसी के बेस पर राम साइड डिक्लेयर किया जाता है रामसर साइड डिक्लेयर किया जाता है तो इसके बेस पे यहां से हम लोग इस पूरे रीजन को मैं आपको कवर कराऊंगा जो आप इसी तरीके से चीजों को रिटेन कर सकते हो। रिलेटिव नंबर्ज नॉट डिस्टर्ब ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ दर्ल्डर्ब द नेचुरल तो आप देखो कि हमें क्या करना चाहिए हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए नेचुरल जो वेजिटेशंस होते हैं या नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनके बारे में और जिसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं एक बैलेंस कंडीशन अब देखो यहाँ पे कि कई बार फायर फॉरेस्ट फायर के एग्जांपल ये न्यूज़पेपर की कटिंग से एक साथ करके दिखाई गई है कि कितनी बार यहाँ पे फॉरेस्ट फायर अक्सर एक ऐसा फिनोमेना बन गया है कि आप देखो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायरिंग होती रहती है जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस हो रहा है हमारे फ्लोरा और फाउना को नेचुरल वेजिटेशन को एक बड़ा लॉस हो रहा है ठीक है तो आज हमारा टाइम हो गया है कल ये जो रिमेनिंग थोड़ा सा पोर्शन है जो नेशनल पार्क से रिलेटेड है ये हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नेशनल पार्क ये सारी चीजें ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो आज इतना ही फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच